नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज़ में। दोस्तों आज भी जो है आप सभी के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग आईपीएल की और क्रिकेट की अपडेट्स आ रही है, तो आपको जो है ना वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग आईपीएल के क्रिकेट के फ़ैन हो, सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को सब्सक्राइब करना है, बगल में आपको घंटी का बटन दिख जाएगा उसको भी याद से दबा दीजिए। तो भाई आज जो है ना हम लोग सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आईपीएल 2022 के साथ में बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कल जो है ना भाई ये अपडेट आई थी कि अहमदाबाद की टीम हार्दिक पांड्या को उनका कप्तान बनाएगी और बनाने वाली है, बना चुकी है। यानी कि भाई जो है ये लगभग से 99% बात कंफर्म है, ऑफिशियल है कि अहमदाबाद की जो टीम है भाई वो जो है हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने वाली है। देखिए भाई, मैंने आपको बताया भी था वीडियो में कि कहीं ना कहीं जो है हार्दिक पांड्या के भी चांसेस बन रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को अहमदाबाद की टीम लेने वाली है और उनको कप्तान भी बनाएगी। ये बात भाई कंफर्म हो गई, हार्दिक पांड्या अहमदाबाद के कप्तानी करेंगे। और जो भाई अहमदाबाद के हेड कोच है ना वो रहने वाले हैं आशीष नेहरा, ये बात तो हम सभी को पहले से ही पता है। जिसके बाद जो है ना खबर आ रही है कि अहमदाबाद की टीम जो उनके तीन प्लेयर रहेंगे ड्राफ्ट के जरिए वो कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर वन कप्तान रहने वाले हार्दिक पांड्या, नंबर टू जो है ना राशिद खान को जो है अहमदाबाद की टीम लेने वाली है, और नंबर तीन जो है ईशन किशन को जो है अहमदाबाद की टीम लेगी। तो भाई यहाँ पे जो है ना ये तीन जो है ड्राफ्ट के जरिए अहमदाबाद की टीम प्लेयर पिक कर सकती है, राशिद खान और ईशन किशन। लेकिन जो कप्तान है वो 99% कन्फर्म है कि हार्दिक पांड्या जो है वो कप्तानी करेंगे अहमदाबाद की आईपीएल की फ्रेंचाइज की। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ना आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं केकेआर की टीम की। देखिए भाई कल जो है ना केकेआर को लेके ये बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, एक रिपोर्ट ऐसी मतलब लिखी हुई है कि केकेआर की टीम जो है श्रेयस अय्यर को ऑक्शन से टारगेट करेगी और उनको उनका कप्तान भी बनाएगी। हमको मालूम है फिलहाल जो केकेआर के कप्तान थे ओयन मॉर्गन, उनको जो है रिलीज़ किया गया है। अब केकेआर के पास ज़्यादा कप्तानी का विकल्प नहीं बचा है, तो ऐसे में जो है ना श्रेयस अय्यर खुद चाहते थे कि वो किसी न किसी टीम की कप्तानी करे। जो केकेआर की टीम है वो भाई श्रेयस अय्यर को ऑक्शन से पिक करेगी, और अगर मान लीजिए केकेआर में अय्यर आ जाते हैं तब श्रेयस अय्यर जो है वो केकेआर की कप्तानी भी करेंगे, ये बात भी कंफर्म है। लेकिन सबसे पहले जो है केकेआर की टीम को श्रेयस अय्यर को ऑक्शन से पिक करना होगा, जिसको लेकर जो है ना केकेआर की टीम बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर सकती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लखनऊ की फ्रेंचाइज की। तो मैंने आपको बताया पहले न्यूज़ में कि अहमदाबाद की टीम जो है राशिद खान को ड्राफ्ट ऑक्शन के जरिए पिक करेगी। मान लीजिए अगर लखनऊ की टीम को भी जो है राशिद खान चाहिए थे, अगर मान लीजिए लखनऊ की टीम कैसे ना कैसे करके लखनऊ की टीम राशिद खान को नहीं पिक कर पाती है, तब लखनऊ ने जो है ना राशिद खान के बैकअप में दो प्लेयर को रखा है, नंबर वन मार्कस टोइनिस, नंबर टू ककिसो रबाडा। यानी कि ये दो में से जो है ना कोई एक खिलाड़ी राशिद खान के बैकअप के तौर पे लखनऊ की टीम पिक करने वाली है। कौन से बैकअप है? बैकअप है स्टोइनिस और ककिसो रबाडा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में, जहां पे आप क्रिकेट फुटबॉल और 160 प्लस गेम खेलकर लाखों रुपए जीत सकते हैं। ये 85 प्लस ब्रांचेस पर ऑपरेट होती है, जहां पे आपको 24/7 का विड्रॉल मिलता है। रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नीचे दिए गए लिंक से अभी इन्हें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन की डेट की और वेन्यू की। देखिए भाई कन्फर्म हो चुका है वेन्यू जो है बेंगलोर ही रहेगा, यानी कि आईपीएल 2022 का जो मेगा ऑक्शन है वो बेंगलोर में ही होने वाला है, ये बात कन्फर्म है। लेकिन जो तारीख है ना भाई वो अभी फिलहाल कन्फर्म नहीं दिखाई दे रही है। तारीख कौन को हो सकती है? 11 फरवरी से लेके 13 फरवरी के बीच में, यानी कि जो है ना 11 से लेके 13 के बीच में किसी दो दिन जो है आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन हो सकते हैं। हालांकि वो कौन से दो डेट्स है वो फिलहाल अभी तक ऑफिशियल कंफर्म नहीं हुए हैं। दोस्तों आगे बढ़ते अगली अपडेट की। तो भाई फिलहाल आईपीएल का ऑक्शन आ रहा है, ऑक्शन से पहले बहुत से खिलाड़ी अपना नाम ऑक्शन में देंगे, बहुत से खिलाड़ी अपना नाम ऑक्शन से वापस लेंगे, जिसमें से जो है ना एक इंग्लैंड के खिलाड़ी है टॉम कुरन को जो है फिलहाल बैक इंजरी का सामना करना पड़ा है। उनका जो बैक है भाई वो थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया है, जिसके चलते 99% चांस यही है कि टॉम कुरन अपना नाम आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में नहीं देंगे, यानी कि वो आईपीएल 2022 से कम्प्लीटली बाहर हो चुके हैं। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के सीरीज़ की। तो भाई हमको पता है वेस्ट इंडीज़ इंडिया में आने वाली है और सीरीज़ खेलेगी अगले महीने, और ये जो कंप्लीट सीरीज़ है ना भाई इसको बीसीसीआई सिर्फ दो वेन्यू पे करवाएगी, अहमदाबाद और लखनऊ। ये दो ऐसे वेन्यू है जहाँ पर इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज़ का कम्प्लीट पूरा शेड्यूल सीरीज़ खेला जाएगा।
दोस्तों नेक्स्ट अपडेट बात करते हैं लेजेंड्स क्रिकेट लीग की। तो भाई 20 तारीख से जो है लेजेंड्स क्रिकेट लीग चालू हो रही है, जिसके अंदर जो है ना केविन पीटरसन और ब्रेट ली, ये दो जो है दिग्गज खिलाड़ी खेलने वाले हैं। उस टीम का नाम है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये टीम है, और इस टीम की तरफ से जो है केविन पीटरसन और ब्रेट ली भी खेलते हुए दिखाई देंगे। बात करते हैं ICC प्लेयर परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ दिसंबर के विजेता की, तो वो है भाई एजाज पटेल। एजाज पटेल भाई 10 विकेट हॉल लिए थे, तो वही जो है फिलहाल बने हैं ICC प्लेयर परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ दिसंबर महीने की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेस्ट इंडीज वर्सेस आयरलैंड के सेकेंड वनडे मुकाबले की। तो भाई फर्स्ट वनडे मुकाबला विंडीज ने जीता, लेकिन सेकेंड वनडे मुकाबला जो है फिलहाल हो चुका है पोस्टपोन्ड। क्यों? क्योंकि जो आयरलैंड की टीम भाई उनके जो कैंप में थोड़ा सा कोविड का इशू आ गया है, इसके चलते वेस्ट इंडीज वर्सेस आयरलैंड के बीच में सेकेंड वनडे मुकाबला हमको खेलता हुआ दिखाई नहीं देने वाला है। दोस्तों एट द एंड पर बात करते हैं हम लोग सचिन तेंदुलकर की। तो भाई जो हमारे सेक्रेटरी है BCCI के जय शाह ऐसा मतलब बोल दिए कि हम लोग जो है ना भाई सचिन तेंदुलकर को भाई कन्वेंस कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है ना फ्यूचर में BCCI में कोई ना कोई रोल में आओ और हमारे साथ में जुड़ो। आपको मालूम भाई जो राहुल द्रविड़ है, लक्ष्मण है, ये लोग भाई उनको जो ना कुछ रोल दिया गया है, तो वैसी जो रोल है वो सचिन को भी मिल सकता है आने वाले टाइम में, जिसको लेकर जो है ना BCCI बहुत रिक्वेस्ट कर रही है, और हो सकता है आने वाले टाइम में सचिन तेंदुलकर हम सभी को भाई कोई ना कोई रोल में दिखाई दे BCCI के अंदर। तो भाई ये थी हमारी आज की न्यूज़, वीडियो मैंने आप सभी को दे दी। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही में अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग बहुत पीछे हो। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, इसको आपको क्लिक करना है और ज्वाइन कर लेना है। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।